हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज रिदम एंड आई एम बैक अगेन विद अनदर वीडियो। एंड आज मैं बात करना चाहूँगा असासिन्स क्रीड की लेटेस्ट एंट्री असासिन्स क्रीड वालहाला की स्टोरी लाइन के बारे में, जो PS4, PS5, स्टेडिया, एक्सबॉक्स सीरीज एक्स एंड सीरीज एस, एक्सबॉक्स वन एंड विंडो पीसी में 10th नवंबर 2020 को रिलीज हुई थी। गेम स्टार्ट होती है असासिन्स क्रीड ओडिसी द फेथ ऑफ अटलांटिस के इवेंट के एक साल बाद। मॉडर्न डे असासिन्स को अननोन इनक्रिप्टेड वॉइस मैसेज रिसीव होता है, जिसमें यह बताया होता है कि कुछ ऐसा होने वाला है जिससे अर्थ में सभी लोग मर सकते हैं, एंड वो वुल्फकिस्ट नाम के व्यक्ति को ढूंढने को कहता है। सोन हैस्टिंग, रेबेका क्रेन एंड लेला हसन अमेरिका में न्यू इंग्लैंड तक पहुंचते हैं। वहां उन्हें लेट 19th सेंचुरी के नॉर्स वाइकिंग वॉरियर का ग्रेव मिलता है। How are you the key to everything? असासिन्स मेंबर लेला के नेक पर मूड स्टेबलाइजर डिवाइस लगाते हैं, जिससे स्टाफ ऑफ वीडन, ऑल्सो नोन एज स्टाफ ऑफ हर्मीज, लेला पर हावी ना हो सके। ये पता लगाने के लिए कि 8 साल में दुनिया दूसरी बार क्यों खत्म होने वाली है, असासिन्स लैला को एवर की मेमोरी को रिलीव करने को कहते हैं। एनिमस में एंटर कर लैला यंग एवर की स्टोरी रिलीव करती है, जो नॉर्वे में अपने फादर वैरिन एंड मदर रोस्टा के साथ रहता है, जो एक नॉर्स क्लैन के मेंबर है। उसकी क्लैन पर राइवल क्लैन हमला कर देती है। इसी के साथ एवर के फादर एंड मदर को राइवल क्लैन की किंग कजोटवे द्वारा मार दिया जाता है। If I give my life, will you spare my clan? You have my word. No, Aaron. Pick up your axe. पर एवर को सिगरेट द्वारा बचा दिया जाता है, पर इसी के बीच एवर पोर्ट से गिर जाता है। तभी उस पर वुल्फ्स अटैक कर देते हैं, पर एवर को रेवन्स द्वारा बचा लिया जाता है, जिससे एवर वुल्फ को मार देता है, एंड इसी के साथ उसको वुल्फ किस्ट नाम मिलता है। What the hell is that? I'm seeing two different data streams overlapped in the same DNA. Not sure why. इसी के साथ एनिमस में मॉडर्न डे में लैला को एवर के टू जेंडर स्ट्रीम शो होती हैं। The two data streams. It felt like two minds fighting over one brain. Right. There's something about this Viking's DNA sample that feels dense. इसी से प्लेयर को मेल एंड फीमेल एवर, जिससे वो गेम कंटिन्यू करना चाहते हैं, चूज करने का ऑप्शन मिलता है। जेंडर ऑप्शन चूज करने के बाद स्टोरी 17 इयर्स के बाद कंटिन्यू होती है। एवर कजोटवे की क्लैन पर क्रू के साथ हमला करता है, पर कजोटवे एवर एंड उसके क्रू को हरा कर उन्हें बंदी बना लेता है। पर एवर उसके सोल्जर्स को मार अपने साथियों के साथ वहां से निकलकर अपनी क्लैन नोन एज रेवन क्लैन तक पहुंचता है। वहां पहुंचकर एवर को रणवी, सिगर्ड्स वाइफ, मिलती है, जो एवर को बताती है कि 2 ईयर्स के बाद सिगर्ड जल्दी ही रेड से अपने क्रू के साथ वापस आने वाला है। इसके बाद एवर वाल्का के पास जाता है एंड बताता है कि उसको विजन्स दिख रही हैं, जिससे वो हॉन्ट हो रहा है, एंड इस विजन का मतलब बताते हुए वाल्का एवर को कहती है कि इस विजन का मतलब ये है एवर अपने ब्रदर सिगर्ड को बिट्रे करेगा। ये प्रेडिक्शन को झूठा कहते हुए एवर वहां से निकलता है। That cannot be right. I would never betray Sigurd. He's my brother. इसके बाद सिगर्ड बहुत से फॉरेन लैंड्स पर रेड कर अपनी क्लैन के लिए बहुत सा गोल्ड एंड आइटम लेकर आता है, एंड वो अपने साथ कुछ न्यू फ्रेंड्स भी लेकर आता है, नेम्ड हेथम एंड बसीम, जो कॉन्स्टेंटिनोपल में हिडन वंस करंटली नोन एज असासिन्स ब्रदरहुड के मेंबर हैं। सिगर्ड बताता है कि उसे बसीम एंड हेथम कॉन्स्टेंटिनोपल में मिले थे, एंड सिगर्ड को उसके गोल्ड्स उनके साथ सिमिलर लगे, एंड इसीलिए वो उन्हें अपने साथ लेकर आया है। तभी सिगर्ड एवर को हिडन ब्लेड देता है, जो उसे बसीम ने ही दिए थे। The blade should ride on the underside of your arm to conceal it from your target. I have no wish to hide this, and I would rather not make the same mistake you two have.
वसीम बताता है कि कयोटवे उनका राइवल ऑर्डर नोन एज ऑर्डर ऑफ एंशिएंट करंटली नोन एज टेम्पलर्स का ही मेंबर है एंड इसलिए ही वो उनकी हेल्प कर रहे हैं। इसके बाद एवर एंड सिगर्ड अपने रेवन क्लैन के साथ किंग हारलैंड की मदद से कयोटवे की क्लैन पर हमला कर उसको मार देते हैं एंड इसी के साथ एवर अपनी फैमिली का बदला लेता है। फाइट जीतने के बाद रेवन क्लैन का किंग एंड सिगर्ड फादर एंड एवर्स अडॉप्टेड फादर किंग हारलैंड के आगे नी बेंड करता है एंड उसको उनका न्यू किंग बनने को कहता है। ये बात सुन सिगर्ड एंड एवर एंग्री हो जाते हैं एंड किंग हारलैंड को अपना किंग मानने से मना करते हैं। I will not yield the title that should be mine by right. And इस पर किंग हारलैंड उन्हें चॉइस देता है कि अगर उन्हें नॉर्वे में रहना है तो उन्हें उसे सर्व करना पड़ेगा। इसी के साथ सिगर्ड एंड एवर अपने क्लैन मेंबर के साथ नॉर्वे से इंग्लैंड की तरफ न्यू होम की तलाश में जाते हैं। सिगर्ड के लीड करते हुए रेवन क्लैन इंग्लैंड पहुंचती है। रेवन क्लैन वहां पे एक बैंडिट के कैंप पर रेड करते हैं एंड बैंडिट को मारने के बाद रेड किए गए एरिया को अपना न्यू होम बनाते हैं एंड एवर उस एरिया को रेवन्सथॉर्प मीनिंग विलेज ऑफ रेवन्स नाम देता है। इसके बाद एवर रेवन क्लैन के साथ नियर बाय एरिया में रेड कर उस रिसोर्सेज की मदद से अपने सेटलमेंट को बिल्ड करना शुरू करता है। एवर एंड सिगर्ड को इंग्लैंड में रहने के लिए अलायंस की जरूरत होती है इसीलिए वो वहाँ न्यू फ्रेंड्स बनाने में लग जाते हैं। अलायंस के लिए एवर एंड सिगर्ड लैडरचेस्टरशायर रीजन में रैगनर लॉथब्रोक के सन्स ऊबा एंड ईवर रैगनर सन्स से मिलते हैं एंड अगर आपने वाइकिंग टीवी सीरीज देखी है तो आपको रैगनर लॉथब्रोक एंड उसके सन्स के बारे में पता ही होगा। एवर रैगनर सन्स की हेल्प करता है किंग ऑफ मर्सिया बर्गरेड को ओवरथ्रो करके सियोलवुल्फ को न्यू किंग बनाने में। ग्रैंडब्रिज शायर में एवर लॉर्ड ऑफ ग्रैंडब्रिज शायर सोमा के साथ ऑर्डर ऑफ एंशिएंट के मेंबर विकमुंड को असासिनेट कर रीजन को दोबारा से रिक्लेम करने में सोमा की हेल्प करता है। ईस्ट एंग्लिया रीजन में एवर ऑसवाल्ड की हेल्प करता है जो डेन्स एंड सैक्सन्स को यूनाइट करना चाहता है जिसके लिए वो डेन वाल्डेस से मैरिज करता है जिससे सैक्सन्स एंड डेन्स के रिलेशनशिप को स्ट्रॉन्ग किया जा सके। डेन्स एंड सैक्सन की हेल्प से एवर र्यूड क्लैन से फाइट कर ऑसवाल्ड को ईस्ट एंग्लिया का किंग बनाने में हेल्प करता है। इसके बाद एवर ऑक्सनफोर्डशायर रीजन में जाता है जहाँ पर सिगर्ड एंड वसीम ऑलरेडी होते हैं जो गैडरिक की हेल्प कर रहे होते हैं एडविन को हराने में। यहाँ एवर सिगर्ड की बातों से डिसएग्री एंड उसके डिसीजन पर डाउट करता दिखता है। सिगर्ड एंड वसीम वुमेन नेम्ड फुलके को ढूंढ रहे होते हैं जिसके पास सागा स्टोन होता है। सिगर्ड अपने आप को डिसेंडेंट ऑफ गॉड्स कहता है और बताता है कि उसे गॉड्स की विजन दिखती हैं जिसको सुन एवर हैरान होता है। फुलके को ढूंढने के बाद उसे पता चलता है कि सागा स्टोन एडविन के पास है। सिगर्ड अपने प्रॉमिस जो उसने गैडरिक के साथ किया था ब्रेक कर एडविन से सागा स्टोन के बदले गैडरिक को मारने की डील करता है बट एवर इस बात को मानने से डिनाई करते हुए एडविन के सोल्जर्स पर हमला कर देता है। इससे दोनों ब्रदर्स में बहस होती है। इसी के साथ दोनों एट लास्ट गैडरिक की आर्मी की मदद से एडविन के कासल पर हमला कर सागा स्टोन क्लेम करते हैं। The markings of the ancient ones, the Isu. I've seen this somewhere. I know these words. Does it speak to you? Yes. I see the great tree of life, her boughs reaching skyward. It's just as you promised, Basim. All you foretold was true. This is wicked magic, Sigurd. Do not listen. No. This is real. This is everything. Alfred, come. तभी वहां पर किंग एल्फर्ड अपनी आर्मी के साथ आता है। Let's exchange man. My best warrior for yours to prove peace. After which you leave Mercia and we fall back. These terms are fair. King Alfred. Wait. Paladin Fulke. You with this company? I was. एवर को पता चलता है कि फुलके एक ऑर्डर ऑफ एंशिएंट की मेंबर है जो सागा स्टोन के लिए ही उनकी हेल्प कर रही थी। Sigurd is the only man we need. He's worth more than 20 other men. किंग एल्फ्रेड एक डील करता है जिसमें ट्रस्ट के लिए सिगर्ड को किंग एल्फ्रेड द्वारा फुलके का होस्टेज बना लिया जाता है एंड उसके बदले किंग एल्फ्रेड उस रीजन को गैडरिक के लीड में ही छोड़ जाता है। This man is dangerous, my lord. Let me hold him. Do what you must. But treat him with care.
एवर वसीम को फुलके को ढूंढने को कहता है। इसके बाद एवर ईवर एंड सियोलबर्ट सन्स ऑफ सियोलवुल्फ के साथ स्कायरोपिसायर रीजन में किंग रोडरी किंग ऑफ ब्रिटेन के साथ अलायंस करने जाते हैं, पर ईवर वहां रोज के ब्रदर को मार देता है। पर इसके बावजूद भी रोडरी दोनों आर्मी के बीच पीस करने के लिए अपनी वाइफ को मैसेज के साथ भेजता है। दोनों साइड पीस के लिए एग्री होती हैं। इसके बाद एवर को सियोलबर्ट वांटेड मिलता है। एवर उसे कैंप पर लेकर जाता है, पर कैंप पर पहुंच सियोलबर्ट मर जाता है। उसके पेट में ब्रिटन डैगर देख एवर को कंफर्म हो जाता है कि उसको रोडरी ने ही मरवाया है। इसके बाद फ्यूरियस एवर एंड ईवर अपनी आर्मी के साथ रोडरी पर हमला कर देते हैं एंड ईवर रोडरी को मार देता है। इसके बाद ईवर एवर को फाइट टू डेथ के लिए चैलेंज करता है। एवर के डिनाई करने पर ईवर बताता है कि उसने ही सियोलबर्ट को ब्रिटन डैगर से मारा है, जिससे दोनों आर्मी के बीच फाइट हो सके। ट्रेटर, सियोलबर्ट वाज लाइक अ सन टू मी। यस, सो फाइट मी वुल्फकिस्ट टू अ ग्लोरियस डेथ। एवर इवार को फाइट में मार देता है एंड उबा को इवार के बारे में बताता है। इसके बाद एवर लंदन रीजन में ऑर्डर ऑफ एंशिएंट मेंबर कोड नेम द एरो द लीच द कंपस को सेरिफ ऑफ लंदन स्टॉव एंड एरिक की मदद से असासिनेट कर लंदन को ऑर्डर ऑफ एंशिएंट से फ्री करता है। इसके बाद हेथम के कहने पर एवर जॉर्विक में ऑर्डर ऑफ एंशिएंट के मेंबर्स को रोकने जाता है। वहाँ एवर को उसके ओल्ड फ्रेंड्स लिजुफिना एंड हजोर मिलते हैं। उसकी हेल्प से एवर ऑर्डर ऑफ एंशिएंट के मेंबर को मार देता है और जॉर्विक को भी ऑर्डर ऑफ एंशिएंट से फ्री करता है। एवर नॉर्थ अमेरिका में विनलैंड में ऑर्डर ऑफ एंशिएंट के मेंबर एंड कजोटवेसन गॉर्म को मारने के लिए जाता है। वहाँ जाए एवर गॉर्म को मार देता है एंड उसको मारने के बाद एवर को उससे एप्पल ऑफ ईडन मिलता है। वहाँ एवर को ग्रैंड टेम्पल का गेट भी मिलता है, जिसमें डेसमंड असासिन्स क्रीड 3 में गया था। इसके बाद एवर इस एप्पल को अमेरिकन ट्राइब के लोगों के पास छोड़ जाता है एंड ये सेम ही एप्पल है जो कई सेंचुरीज के बाद असासिन्स क्रीड 3 में कॉनर को मिलता है। रेवन सॉर्फार रणवी एवर को बताती है कि बासिम ने फुलका को लोकेट कर लिया है। एवर एंड बसीम कैंटाबरी जाते हैं। बसीम एवर को बताता है कि उसके बहुत क्लोज फ्रेंड ने उसके बेटे को मारा था एंड उस बात को वो अभी तक नहीं भूला है। A man you trust with anything can take everything. He took all I had. All I had. वहाँ एवर को सिगरेट की कटी हुई आम मिलती है। इसके बाद एवर अपनी सभी अलाइज को बुला फुलका पर अटैक करता है I'm coming for you, brother. और फुलका को मार सिगरेट को बचा लेता है। रेवन्स थॉर्प में आकर सिगरेट बहुत स्ट्रेंज बिहेव करने लगता है एंड अपने आप को गॉड मानने लगता है। What did that witch Fulke do to you? You cannot even begin to imagine the things I've seen. He's been this way since his return. एवर को किसी अननोन पर्सन नेम्ड पुअर फेलो सोल्जर ऑफ क्राइस्ट, जिसने एवर को लंदन एंड जॉर्विक में ऑर्डर ऑफ एंशिएंट की जानकारी दी थी, लेटर में वेसेक्स रीजन में एक चर्च में एक पर्सन को मिलने को कहता है। वहां जा एवर को किंग एल्फ्रेड मिलता है। You risk your life, Alfred King. You gifted my jarl to that whelp from the Order of Ancients, the warrior Fulke. Fulke was an enemy of Wessex. But it seems someone has already removed her threat from my lands. If you did not hear it was me, you have now. King Alfred Ever को बताता है कि उसको poor fellow soldier of Christ द्वारा एक letter मिला है, जिसमें उसने लिखा है कि Order of Ancient के members King Alfred को मारने का plan कर रहे हैं। Ever King Alfred के साथ deal करता है, जिसमें वो ऑर्डर ऑफ एंशिएंट के सभी मेंबर को सिल्वर के बदले मार देता है एंड वेसेक्स को भी ऑर्डर ऑफ एंशिएंट से फ्री करता है। इसके बाद किंग एल्फ्रेड एज पर डील एवर को सिल्वर देता है, पर उसके साथ अलायंस करने से मना करता है और उसको क्रिश्चियन बनने के लिए कहता है एंड अदरवाइज उसे मारने की धमकी देता है। Your reign will end, King of the West Saxons. This one is beyond saving. इसी के साथ एवर और कई न्यू रीजन में न्यू अलाइंस बनाता है, जैसे कि वेसेक्स में लॉर्ड ब्रिस्टन, लिंकनशायर में हुंडवार्ड, यॉर्कशायर में रैगनरसन हाल्फडन, ग्लोवेस्टरशायर में ट्विडवर, नॉटिंगहैमशायर रीजन में ओल्ड फ्रेंड विली। एवर के सभी रीजन्स में अलाइंस बनने के बाद लास्ट सेक्शन कंट्रोल रीजन को जीतने के लिए गुथरम
उबा की हेल्प से किंग एल्फ्रेड के खिलाफ वॉर करने की तैयारी करता है। एल्फ्रेड गुथरम एंड एवर को बताता है कि उसकी आर्मी ने उबा को मार दिया है, जिससे एंग्री गुथरम एंड एवर अपने सभी अलाइज जो एवर ने इंग्लैंड में बनाए थे को एक साथ बुलाकर चिपनहैम में एल्फ्रेड पर सरप्राइज अटैक करते हैं, पर एल्फ्रेड उस एरिया से पहले ही निकल चुका होता है। इसी के साथ वेसेक्स के सभी लोग उन पर हमला कर देते हैं, जिसमें हुंडवार्ड, हजोर, सोमा मर जाते हैं। इसके बाद एल्फ्रेड के वहां से भागने से गुथरम उस रीजन पर कंट्रोल करता है। Time to send our friends to their great reward. Victory is ours. But it came at a great cost. Soma Jarlskona. And to Hjor and to Hunwall. इसके बाद सभी ऑर्डर ऑफ एंशिएंट के मेंबर्स को मारने के बाद वापस रेवेन्सथॉर्प एवर को हेथम पुअर फेलो सोल्जर ऑफ क्राइस्ट द्वारा आया गया एक लेटर देता है, जिसमें उसने एवर को एक विलेज में मिलने को कहा होता है। उस विलेज में जा एवर को एग्जाइल्ड किंग एल्फ्रेड मिलता है, जिससे एवर को पता चलता है कि वो ही पुअर फेलो सोल्जर ऑफ क्राइस्ट है एंड उसने ही खुद को वेसेक्स में एक लेटर भेजा था, जिससे एवर ऑर्डर ऑफ एंशिएंट के सभी मेंबर्स को मार सके। एवर के पूछने पर एल्फ्रेड बताता है कि वो ही ऑर्डर ऑफ एंशिएंट का ग्रैंड मास्टर है एंड ये टाइटल उसको उसके ब्रदर के मरने के बाद मिला था, जो उसके ब्रदर को उसके फादर से मिला था। पर एल्फ्रेड ऑर्डर ऑफ एंशिएंट के तरीकों से एग्री नहीं होता है एंड इसीलिए ही वो एवर की ऑर्डर ऑफ एंशिएंट के मेंबर्स को मारने में हेल्प कर रहा था। I owe you my thanks, Eivor. You have saved England. वापिस रेवेन्सथॉर्प सिगर्ड एवर को नॉर्वे में जाने को कहता है। सिगर्ड की बात मान दोनों वापिस नॉर्वे जाते हैं एंड वहां पे सिगर्ड अपने फादर एंड फॉर्मर किंग से मिलते हैं एंड सिगर्ड उसे लास्ट फेयरवेल कर उसे नी बेंड करने की उसकी कॉवर्डनेस के लिए उसे थैंक्स बोलता है, क्योंकि अगर सिगर्ड वहां का किंग बन जाता एंड नॉर्वे से ना निकलता तो उसे अपने इनर गॉड पावर का पता ना चलता। आई नो यू लव हिम एवर, बट डू नॉट फॉलो हिम ब्लाइंडली इनटू डार्कनेस। इसी के साथ सिगर्ड एवर के साथ वहाँ से निकल एवर के पूछने पर उसको अपने विजन के बारे में बताता है। उसको विजन्स में नॉर्वे के पास ट्री ऑफ लाइफ मिलता है एंड नॉर्स गॉड भी मिलते हैं। ये सुन एवर बताता है कि उसको भी विजन्स दिखती हैं, जिसमें उसे ऑडिन गाइड करता है। वाल्का वार्न्ड मी ऑफ अ ग्रेट बिट्रेयल, बट व्हाट फॉर्म इट टेक्स आई कैन नॉट से। यू नो दैट बिट्रेयल इज नॉट इन माय नेचर। ऑफ कोर्स नॉट। इसी के साथ एवर सिगर्ड के साथ विजन्स में दिखे गए टेंपल की लोकेशन में जाता है। टेंपल में पहुंचकर उनको वहां वाल्का की मदर सुवाला स्ट्रेंज मशीन के साथ लटकी मिलती है एंड इसी के साथ उन्हें वहां पे एक सफेयर डिवाइस मिलता है। सिगर्ड एवर को बताता है कि ये मशीन से वो वालहाला जहां पर एज पर नॉर्स माइथोलॉजी वॉरियर फाइट में मरने के बाद जाते हैं पहुँच सकते हैं। मशीन में एंटर कर दोनों हॉल ऑफ स्लेन्स पहुँचते हैं, जहाँ पर एवर को वाल्का की मदर सुवाला मिलती है, जो वहाँ पे गॉडेस फ्रेया बनी होती है। गेट्स ऑफ वालहाला ओपन होने पर एवर एंड सिगर्ड वहाँ फाइट करते हैं। वहाँ एवर को उसके फादर वारेन दिखता है। ये देख एवर हैरान होता है, क्योंकि वो उसके हिसाब से कॉवर्डली मरा था एंड वालहाला में ओनली ब्रेव वॉरियर ही जा सकते हैं। ये बात सिगर्ड को कहने पर सिगर्ड बताता है वो यहाँ का गॉड है एंड वो यहाँ पर कुछ भी कर सकता है एंड उसने उसके फादर को एवर की खुशी के लिए ही वहाँ पर लेकर आया था। एवर को ये प्लेस झूठी लगती है। सुवाला एवर को बताती है कि वो इस प्लेस पे कुछ भी कर सकता है। Look, your friends are here. No, they are not real. This is a lie. I am an old woman with a broken body. What life I had left was brief. But this is not for me. इस बात को सुन एवर सिगर्ड को यहाँ से निकलने को कहता है, पर सिगर्ड वहाँ से जाने को डिनाई करता है। No, I am no one in that world. I am somebody here, a god. एवर के कहने पर सिगर्ड वहाँ से निकलने के लिए एग्री होता है। All right, we go.
मशीन से निकलने के बाद एवर देखता है कि बासिम ने सिगर्ड को पकड़ा हुआ है। एंड यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगा कि एवर, सिगर्ड एंड बासिम तीनों फर्स्ट सिविलाइजेशन मेंबर ओडिन, टियर, लोकी के रीइंकार्नेशन हैं, जो नॉर्स माइथोलॉजी में गॉड हैं। एंड पास्ट में ओडिन यानी कि एवर ने लोकी यानी बासिम के चिल्ड्रन को मारा था। एंड जब डिजास्टर के कारण पूरी दुनिया तबाह होने वाली थी, तभी सभी ईशु मेंबर्स अपने आप को दूसरी बॉडी में रीइंकार्नेट करते हैं, जिससे वो डिजास्टर के बाद भी दूसरी किसी बॉडी में जी सकें। एंड इसी के साथ लोकी भी ईशु मेंबर्स को मार खुद को भी रीइंकार्नेट करता है, जिससे वो ओडिन से उसके बेटे को मारने का बदला ले पाए। बसीम बताता है कि जिसको वो ढूंढ रहा था यानी कि ओडिन, वो सिगर्ड नहीं बल्कि एवर है। एंड इसी के साथ बसीम एंड एवर के बीच फाइट होती है। एवर इस बात से कंफ्यूज होता है कि बसीम उसे क्यों मारना चाहता है। फाइट के दौरान बसीम को सेम मशीन पकड़ लेती है। तभी सिगर्ड सफेयर डिवाइस को यूज कर टेंपल एंड मशीन को बंद कर देता है। इसके बाद एवर सिगर्ड को वापस इंग्लैंड जाने को कहता है। आई एम नॉट मैड एवर, दीज थिंग्स आई सी एंड फील, आई नो दे आर ट्रू, आई नो ब्रदर, नाउ मोर देन एवर You always spoke true. इस पर सिगर्ड एवर को रेवन क्लैन का न्यू लीडर बनने के लिए कहता है। इसके बाद लैला एनिमस से निकलती है एंड सॉन उसे बताता है कि 2012 में डेस्मोंड ने ग्रैंड टेंपल में दुनिया को बचाने के लिए मैग्नेटिक फील्ड एक्टिवेट की थी। वो अभी तक एक्टिवेट है, जो डे बाय डे स्ट्रॉन्ग हो रही है एंड जिससे रेडिएशन एंड हीट जनरेट हो रही है। एंड उन्हें पता चलता है कि टेंपल जो एवर ने ढूंढा था वही मैग्नेटिक फील्ड का सोर्स है। वी हैव टू फिक्स इट, शट इट डाउन। नो, स्लो इट डाउन, इट्स स्टिल प्रोटेक्टिंग अस। इसके बाद लैला स्टाफ ऑफ हर्मीस के साथ टेंपल में मैग्नेटिक फील्ड को स्लो करने जाती है। वहां लैला को बसीम की बॉडी दिखती है, जिसको मशीन ने पकड़ा होता है। सेम मशीन लैला को भी पकड़ देती है। इसी के साथ लैला से स्टाफ ऑफ हर्मीस छूट जाता है। वहाँ लैला को बसीम मिलता है, जो मशीन में कितने सालों से ट्रैप्ड हुआ होता है। लैला को यह पता चलता है कि ऑडियो इनक्रिप्टेड मैसेज बसीम ने ही भेजा था, जिससे असासिन्स एवर का ग्रेव ढूंढ पाएं एंड उस तक पहुंच सकें। बसीम के कहने पर लैला सफायर डिवाइस को यूज़ करती है, जिससे मैग्नेटिक फील्ड स्लो हो जाती है। उसे टच करने पर बसीम वहाँ से गायब हो जाता है एंड लैला को वहाँ पर एक पर्सन नेम्ड द रीडर मिलता है, जो ऑल्सो इस मशीन में ट्रैप्ड हुआ होता है। एंड वो वहाँ पर पॉसिबल फ्यूचर कैलकुलेशन को रीड करता है। वो लैला को बताता है कि उसने मैग्नेटिक फील्ड को कंट्रोल कर इस बार तो दुनिया को बचा लिया है, पर इसके बाद जितने भी पॉसिबल फ्यूचर हैं, सभी पॉसिबल फ्यूचर में किसी न किसी कारण दुनिया ख़त्म हो जाएगी। इसी के साथ लैला रीडर को 2012 से अगर डेस्मोंड दुनिया को ना बचाए, उसके बाद के सभी पॉसिबल फ्यूचर को देखने को कहती है, जो रीडर ने अभी तक सर्च नहीं किए होते हैं। इसी के साथ दोनों न्यू पॉसिबल बिलियंस ऑफ न्यू फ्यूचर सर्च करने में लग जाते हैं। It's only the beginning. We have a lot of data to sift through. Are you staying? Until we find something useful, I will. I don't want this to happen ever again. You may not have much time, Layla. The machine is powered down, but the radiation, by my calculations, you have 73 seconds before your exposure is lethal. I had the staff of Eden. No. You do not. And if that means I can never leave, so be it. I owe this to the people I hurt. The people I love. Yes. I know the feeling. Let's get going, huh? A few billion timelines might take a while. It will. मेरा पर्सनली ये मानना है कि रीडर डेस्मोंड माइल्स हो सकता है। एंड आपको क्या लगता है कि रीडर कौन हो सकता है, आप कृपया कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। एंड नाउ बैक टू स्टोरी। बसीम मशीन से निकल शाफ ऑफ एडन ले अपनी बॉडी को ठीक कर लेता है। I'm with you. It worked perfectly, my dear. The air.
of memories fulfilled her role perfectly. और स्टाफ के साथ सोन एंड रिपेका के पास जाता है एंड लैला द्वारा भेजा गया एक ऑडियो मैसेज सुनते हैं जिसमें लैला बताती है कि कोई उसको टेंपल में ढूंढने ना आए। सोन एंड रिपेका वसीम को ब्लेम करते हैं कि वो लैला को वहां टेंपल में अकेला छोड़कर क्यों आया। We're assassins now, not hidden ones. From the Arabic, Hashishin. Ah, and do we have a mentor? Is that still the practice? इसी के साथ वसीम सोन एंड रिपेका को करंट असासिन मेंटर डेसमंड फादर विलियम माइल्स से मिलने को कहता है। I'd like to meet William Miles. We can call him. No technology. Face to face. इसी के साथ वसीम को वहां छोड़ सोन एंड रिपेका विलियम माइल्स को लेने जाते हैं। उसके जाने के बाद वसीम एवर के ग्रेव को देखते हुए उसे मॉक करते हुए वो कहता है कि अब एनिमस की मदद से वो उसकी सभी मेमोरी एंड स्किल्स ऑब्टेन कर सकता है एंड अपनी फैमिली के साथ रीयूनाइट हो सकता है। यू बेस्टेड मी, आई डोंट नो हाउ, बट यू डिड, येट आई एम द वन लेफ्ट स्टैंडिंग। इसी के साथ वसीम एनिमस में जा वहां एवर के वापस इंग्लैंड रेवेन्सथॉर्प आने पर उनके लोगों द्वारा किए गए वेलकम एंड सेलिब्रेशन की मेमोरी रिलीव करता है। You're less mine than I'm yours. And I ask of you only this. Keep me honest in the times to come. Odin's mead I forth will bring. For noble deeds thine honor sing. एंड इसी के साथ गेम खत्म होती है। मैं आपको बताना चाहूंगा गेम कंप्लीट करने के बाद अगर आप एनिमस से बाहर निकलते हैं तो आपको एक कट सीन मिलेगा जिससे ये कंफर्म होता है कि असासिन्स क्रीड लोर में कैनन एवर जेंडर असल में फीमेल है, पर ओडिन की सेज होने से एवर में दो डीएनए होने के कारण एनिमस में लैला को मेल एंड फीमेल दोनों जेंडर शो होते हैं। अगर आप चाहते हैं कि मैं ऐसी वीडियो और लेके आऊं तो कृपया इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन को क्लिक कीजिएगा जिससे आपको फ्यूचर में मेरी वीडियोस की नोटिफिकेशन आती रहेगी।